नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। जरा इस ट्वीट को देखिए जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया है। दिग्विजय सिंह अपने इस ट्वीट में अतिथि शिक्षकों पर लाठी चार्ज का आरोप लगा रहे हैं और उस लाठी चार्ज की तुलना आजादी की लड़ाई के वक्त हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर रहे हैं। अपने इस ट्वीट में दिग्गी लिखते हैं कि मामा जी आपके वादों का क्या हुआ, आप उनके लिए सड़कों पर कब उतरेंगे। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने नीचे लिखा कि लाठी चार्ज से पहले बिजली बंद की गई, ठीक जलियांवाला बाग की तरह। अब दिग्गी ने तो भोपाल के अंबेडकर पार्क में पुलिस की कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग से कर दी, लेकिन क्या आपको पता है कि जलियांवाला बाग में हुआ क्या था और वो घटना है क्या? दरअसल जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, ये घटना 13 अप्रैल 1919 को भारत के पंजाब के अमृतसर शहर में हुई थी। इस हत्याकांड में 500 से 1000 लोगों की मौत हो गई। दरअसल भारत की आजादी के वक्त अंग्रेजी हुकूमत 1919 में रॉलेट एक्ट लेकर के आई। इस एक्ट में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी को भी कैद कर सकती है। इसी एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी। इस सभा में कई लोग मौजूद थे। सभा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, लेकिन तभी जनरल डायर ने सैनिकों को गोलियां चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। अब एक तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड है और दूसरी तरफ भोपाल का अंबेडकर पार्क। दिग्गी की नजरों में ये दोनों बराबर हैं। दिग्गी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले अतिथि शिक्षकों पर रात के अंधेरे में बिजली गुल करके किया गया लाठी चार्ज लोकतंत्र के माथे पर धब्बा है। अतिथि शिक्षकों के शरीर पर पड़ी एक एक लाठी डॉक्टर मोहन यादव के अत्याचार की इबारत है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मध्य प्रदेश में अपनी जायज मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना गुनाह क्यों हो गया। नाथ ने लिखा कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अतिथि शिक्षकों के साथ हुए अत्याचार की हाईकोर्ट की निगरानी वाली कमेटी से उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हो इन सब के लिए उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। यानी अब यह मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। देखना यही है कि सरकार इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई करती है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।